विदेशों के जाके अपने अपन लुटते ने यह कहावत सच साबित होंगी नज़र आ रही है। तुहानू दस दिए कि ब्रिटेन के पंजाबी मूल के एक व्यक्ति को जायदाद खरीदन दे विच मदद करन दा दावा करते हुए लोगों करीब 16,000 पौंड की ठगी मारन के दोष के 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार जसपाल सिंह जुतला जो कि 64 साल का है, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और उसके ज़्यादातर पीड़ित भारतीय मूल के सी। लंडन की एल्सवर्थ क्राउन कोर्ट ने जुटाला धोखाधड़ी के जुर्म च सज़ा सुनाई है। मैट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान दे विच कहा है कि यह अपराध मई 2019 ते जनवरी 2021 दे विचकार होए सन अते जसपाल सिंह जुतला ने पिछले साल अगस्त दे विच अक्सब्रिज मैजिस्ट्रेट कोर्ट दे विच पहला दी सुनवाई च अपना दोष कबूल किया सी। बयान दे अनुसार जसपाल सिंह ने 4 लोगों ते होम लोन सलाहकार दे रूप दे विच 15,970 पाउंड दी ठगी मारी है। मैट्रोपोलिटन पुलिस की सेंट्रल स्पैशलिस्ट क्राइम यूनिट के वित्तीय जांचकर्ता डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल अनीता शर्मा ने कहा है कि जसपाल सिंह ने एक शानदार जीवन शैली धन हासिल करने के लिए अपने ही भाईचारे के मैंबर ठगी कर ली। उन्होंने कहा कि जसपाल सिंह दे कुछ पीड़ित ही अगे आए हैं, पर कई अजे लोग भी हो सकते हैं जिन्हों के नाल जसपाल सिंह ने ठगी मारी पर उन्होंने पुलिस तक पहुँच नहीं की। होम लोन सलाहकार के तौर पर जसपाल सिंह लोगों को मिलता सी अते जायदाद खरीदन दे विच मदद करन दे बहाने नाल उना नाल ठगी मार लैंदा सी। तां दस दिए कि एक पासे ये मामला सामने आया तो दूजे पासे कैनेडा दे विच विद्यार्थी डेपोटेशन का सामना कर रहे ने, उना दे नाल भी धोखाधड़ी हुई है। जलंधर तो उन्होंने आयल्स की तो उन्होंने एजेंट ही उन्होंने धोखा कर गया। लगातार ये मामला पूरी दुनिया के गरमा रहा, जिसके नाल ठग एजेंटा ठगी मारन वालियां दे कई होर मामले भी जुड़े हुए लगातार सामने आ रहे हैं। दूजे पासे जेकर गल करिए ब्रिटेन की, तो फिर ब्रिटेन की तो साल 2022 दे विच 7,70,000 भारतीय विद्यार्थियों तो दूजे देशों से पढ़न दे लई गए ने। इन्हां चों 1,40,000 इकल्ले ब्रिटेन आए। ब्रिटेन के नैशनल स्टैटिस्टिक्स के दफ्तर के नवे आंकड़ों के अनुसार 2022 दे विच लगभग 1/4 वीजे भारतीय नागरिकों नूं दिते गए अते इन्हां दे विचों 55% विद्यार्थियों के लिए सी। भारतीय उच्च अते मध्य वर्ग के विच ब्रिटेन अते अमेरिका पहली पसंद बना रहे हैं। इसका कारण अंग्रेजी भाषा भी हो सकता है, जो कि अज भी भारतीय विद्यक अदारियों की दूजी मुख्य भाषा बनी हुई है। उच्च फीसां अते लागतां दे कारण यह अजे भी समुचे तौर पर सिर्फ एक छोटा प्रतिशत है जो कि विदेशों दे विच पढ़ते हैं। बहुत सारे भारतीय परिवार अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटियां च भेजने के लिए बड़ियां कुर्बानियां दे रहे हैं। अक्सर अपने परिवार घर गिरवी रख देंगे ने या फिर वड्डे निजी कर्जे ले लेंगे ने, इस विचार दे नाल कि यह लंबे समय लई एक लाभदायक निवेश होणगे। तुहानू दस दिए कि जिथे पहला कैनेडा पहली पसंद बनता सी भारतीयों की, हुण बाकी देश भी बनते जा रहे ने, क्योंकि कैनेडा दे विच कई बार इंज हुंदा है कि विद्यार्थी सोचते हैं कि गोरियां नाल जाके पढ़ांगे, पर उन्हां दी पूरी क्लास दे विच ही पंजाबी या फिर भारतीय मूल दे लोग बैठे हुंदे ने। प्रवास इन्ना कु ज़्यादा वध गया कैनेडा दे विच कि मूल निवासियों की गिनती तक घटती जा रही है। हुण देखना होवेगा कि ठगियां दे मामलों नूं सीरियस लेंदे हुए विदेशी सरकारां केड़े सख्त कदम चुकणगियां। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।